देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। शिवदानी शर्मा ने भलोई पंचायत में लोगों के बीच जाकर लोगों को बताया कि किस तरीके से जन सुराज काम करती है। इनकी मुख्य 5 सोच है जो लोगों के बीच पूरा करना चाह रही है। लोगों को आज जात पात के भेदभाव से उठकर कहीं ना कहीं इन जन सुराज की सोच पर पहल करना जरूरी है, जिससे हमारा राज्य विकसित राज्य होगा और लोगों को शिक्षा, रोजगार इत्यादि सुलभ हो पाएगा। हम लोग जो जन सुराज है, अभी सुजगढ़ा विधानसभा अंतर्गत भलुई पंचायत के भलुई नया टोला में उपस्थित हैं। हम लोग जो है जन सुराज के लिए अग्रसर हो रहे हैं कि इसको 10 राज्य के अग्रणी में इसको शामिल किया जाए। और इसमें फायदा क्या है भैया, सुन लीजिए, ये फायदा 5 फायदा होने जा रहा है। एक फायदा शुरुआत में यही है कि आपका बाल बच्चा के लिए हर प्रखंड में एक सुनिश्चित बढ़िया कॉलेज और विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था किया जा रहा है। दूसरा है कि जो वृद्धा लोग पेंशन उठा रहे हैं 400 रुपया, उनके लिए ये प्रशांत किशोर का आदेश है कि इसको 400 से लेकर 2000 कर दिया जाएगा। दूसरी तीसरी फायदा है कि जो यहाँ बिहार से पलायन हो रहे हैं, जो पलायन हो रहे हैं उसको रोकने के लिए इनका अथक प्रयास है। ये जन सुराज का ये सोच है। ये चौथा हो गया। एक और इसमें बेहतर फायदा है कि जो महिला बुजुर्ग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको प्रत्येक हेड में 1,00,000 रुपया 3 साल के लिए, मैंने 3 साल के बाद जमा करना है, 4% की दर से उसको मुहैया लोन मुहैया कराया जाएगा। यही इनका विशेषता है। दूसरी बात ये रहा जन सुराज, अभी जो जनता का सुंदर राज के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, जो जनता कहेगी वही हम लोग करेंगे। इन लोगों से जितना भैया जुटे हैं जन सुराज में जुटे हैं, इसलिए कि इनका विचार देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का बहुत अच्छा विचार है, इनका समाज के लिए सोच है। और वोट जो इन लोगों से लोग दे रहे हैं जाति धर्म के ऊपर, लेकिन इनको जाति धर्म से हट कर अपने बाल बच्चा के लिए वोट इनको करना चाहिए। यही तो हम लोग आए हुए हैं और इनको सदस्य बनाने का काम किया। मेरा नाम डॉक्टर शिवदानी शर्मा है।